हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डोर बैंकिंग सेवा लाभ लेते हुए आप किस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर मोबाइल नंबर किस प्रकार से चेंज करा सकते हैं, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, इसका दो तरीका होता है। पहला तरीका में जो भी आपके घर जहाँ भी आपका पड़ता होगा या फिर जहाँ भी आपका विलेज पड़ता होगा उसके आसपास जो भी आधार सेवा केंद्र होता है वहां पर भी जाकर के ₹50 में आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जारी किया है, आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डोर बैंकिंग सेवा का लाभ लेते हुए अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक या फिर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ₹50 ही पे करना होता है। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से घर बैठे ही अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक या मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो फिर आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर है उसे आपको ओपन करना है। तो जैसे ही प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा तो फाइनली आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में नजर आता है सर्च बार, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पोस्ट इन्फो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोस्ट इन्फो आप टाइप करके सर्च कीजिएगा तो जो भी पोस्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है ऑफिशियल वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आता होगा तो इसे सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, या तो फिर ऑलरेडी अगर आपने कभी भी पोस्ट ऑफिस का जो एप्लीकेशन है उसे अगर आपने इंस्टॉल करके रखा होगा तो यहां पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे इंस्टॉल करके रखा हूं तो यहां पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपल से आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे यहां से ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली जो एप्लीकेशन होता है वो आपके मोबाइल फोन में सक्सेसफुली यहां पे ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद फाइनली आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे सबसे ऊपर में ही देखिए एक ऑप्शन आता होगा सर्विस रिक्वेस्ट का, तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म बेसिकली यहाँ पे खुलकर आ जाता है। इसी फॉर्म को आपको सबसे पहले आपको फिलअप करना होता है। तो फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना होता है वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो बॉक्स यहाँ पर नजर आता होगा नेम का, तो जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे फिलअप करना है। देन दूसरा बॉक्स यहाँ पर नजर आता हो एड्रेस का, तो जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि आप अपना विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम यहाँ पे फिलअप कीजिए। देन यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर आपको फिलअप करना है, तो जहां भी आप रहते हैं उस एरिया का जो भी पिन कोड नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है, या तो फिर ऑप्शनल होता है ईमेल आईडी, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना काफी ज्यादा कंपलसरी है। तो यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस पर आपको आना है, यहाँ पर आपको टैप करना है आईपीपी आधार सर्विस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे काफी सारा आपको सर्विस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट का दूसरा ही ऑप्शन देखिए अंदर आता होगा आईपीपी आधार सर्विस, तो आपको आधार सर्विस वाला ही ऑप्शन पे आपको टिक मारना है। उसके बाद नीचे आएगा तो फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आता होगा सेलेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल का उम्र का, तो उनका जो आधार कार्ड है वो घर बैठे ही बना सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक या फिर चेंज करना है तो उसका भी सुविधा यहीं पर मिल जाता है। यहीं पर देखिए दूसरा ही ऑप्शन आता होगा मोबाइल ईमेल आईडी टू आधार लिंक या अपडेट, लिंक भी कर सकते हैं या फिर अपडेट भी कर सकते हैं। तो दूसरा ही ऑप्शन पर आपको टिक मारना है। देन आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर देखिए एक ओटीपी आ जाता है। जैसे मेरे केस में देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है, तो सेम एज आपके पास भी इसी प्रकार से ओटीपी आ जाएगा। इस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है, देन कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ सबका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ पर रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपना टाइम टू टाइम स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ऊपर में देखिए नजर आता होगा क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी वहां से आपका रेफरेंस नंबर था या फिर जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको फेस डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे फेस डिटेल पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी यहाँ पे आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं फिलहाल अभी ये नजर आता होगा पेंडिंग। अभी तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हुआ है, फॉर्म सबमिट होने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है, जो आगे का स्टेप होता है वो समझा देता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही यहाँ से फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे ही आप रिक्वेस्ट यहाँ पे डालते हैं, तो जो भी आपने एरिया पिन कोड नंबर वहाँ पे फिलअप किया था उस एरिया पिन कोड में जो भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है। अब उस पोस्ट ऑफिस में जो भी पोस्टमैन होता है या फिर जो भी वहाँ पे कार्यरत होते हैं वो आपके घर के पते पे आकर के, जो भी वहाँ पे अपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी आप एड्रेस देते हैं उस एड्रेस पर आकर के आपके घर के पते पे आकर के आपके आधार
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, फिर वहाँ पे आपको 50 रुपये आपको देना होता है, ये ऑप्शनल चार्ज होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ से रिक्वेस्ट वगैरह आप डाल करके आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक किया तो मोबाइल नंबर चेंज करने का रिक्वेस्ट आप किस प्रकार से सबमिट करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, वो मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, कुछ स्टेट में यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डोर बैंकिंग का जो सेवा है वहाँ पे सर्विस शुरू नहीं किया गया है फिलहाल। अगर आपके स्टेट में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो डोर बैंकिंग का जो सेवा है वो भी फिलहाल आपके क्षेत्र में शुरू हुआ होगा तभी इस सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट डालने के बाद जो भी पोस्टमैन होते हैं वो आपके घर के पते पर आकर के आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किया तो मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपका स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट आपके क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डोर बैंकिंग का सेवा का सर्विस शुरू नहीं हुआ होगा तो इस कंडीशन में जो भी आपके नजदीकी आधार सेवा केंद्र होता है वहीं पर केवल जाकर के आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किया तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। वहां पर केवल आपको आधार अपडेट या फिर चेंज करने का जो फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करके 50 रुपये पे करके वहां पर इजी वे में अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक किया तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो भी स्टूडियो में आपको जानकारी दिया सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो फिर आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।